नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा जिले के बडगू और पेशरार थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरगो और आसपास के जंगलों में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। पेशरार और बगडू थाना के कोरगो गांव में पुलिस और नक्सली के बीच गुरुवार सुबह अभियान के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में दो नक्सलियों की गिरफ्तारी और एक नक्सली को गोली लगने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने पुख्ता सूत्रों की माने तो रविंद्र गंझू दस्ते के इनामी नक्सली चंद्रभान पाहन और गोविंद ब्रिजिया नामक दोनों नक्सली की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इनमें से एक नक्सली की गोली लगने से मौत हो गई है। लोहरदगा में मारे गए नक्सली की पहचान 5 लाख के इनामी चंद्रभान पाहन के रूप में हुई। रविंद्र गंझू के दस्ता का सदस्य या सब जोनल कमांडर के रूप में हुई। मृतक नक्सली उगरा मेड़ो गांव थाना सेन्हा जिला लोहरदगा का रहने वाला है। लोहरदगा पुलिस मृतक नक्सली के शव को सदर अस्पताल लोहरदगा लेकर आई, जहां पोस्टमार्टम कर पूरे बॉडी का एक्सरे भी कराई गई। इस अभियान में सीआरपीएफ 158 बटालियन, जेजे झारखंड पुलिस और जिला पल शामिल है। पूरे जंगली इलाके में पुलिस घेराबंदी कर सर्च अभियान चला रही है। जंगल में और भी नक्सली फंसे हुए हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए सुरक्षा बल लगातार जंगलों में सर्च अभियान चला रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में रविंद्र गंझू का दस्ता सक्रिय है। इसी सूचना पर कोरगो गांव के आसपास के जंगलों में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच गोलीबारी शुरू हुई। पुलिस को देख नक्सली गोलीबारी करने लगे। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें दो नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई। वहीं एक नक्सली की गोली लगने से मौत हो गई। नक्सली की मौत होने के बाद उसकी पहचान को लेकर चंद्रभान पाहन का नाम सामने आया है। वहीं पुलिस शव का पोस्टमार्टम एक टीम गठन कर सदर अस्पताल में कर दिया है। पूरे पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी कराई गई है। सुरक्षा बल अभी भी पूरे इलाके की घेराबंदी कर अभियान चला रही है। जिले के अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती जंगलों में की जा रही है। फिलहाल लोहरदगा पुलिस की ओर से इस पर चुप्पी साध ली गई है। अधिकारी इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। प्रारंभिक सूचना है, चूँकि अभियान अभी चल रहा है, लोहरदगा के बगड़ू थाना अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सीपीएम माओवादी के रविंदर गंजू के दस्ते के कुछ सक्रिय सदस्य, जिसमें सब जोनल कमांडर रैंक के उनके सदस्य थे, वो आए हुए हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन के क्रम में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें सीआरपीएफ, वहाँ पे जो लोकल कंपनीज हैं पेशरार की और केकरा की, इसके अलावा सैट और जिला बल के जवानों के एसपी लोहरदगा के नेतृत्व में, इनके साथ एएसपी अभियान वहाँ के और सीआरपीएफ की जो लोकल बटालियन है उनकी 2IC, इनके द्वारा रात में एक ऑपरेशन शुरू किया गया था। सुबह फर्स्ट लाइट में सर्च के दौरान इस दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें दो उग्रवादी पकड़े गए हैं। दोनों सब जोनल कमांडर हैं, दोनों पे 5 लाख का इनाम झारखंड सरकार के द्वारा रखा गया है। एक क्रिटिकली इंजर्ड है, उसको सदर अस्पताल लाया गया है और दूसरे से पूछताछ चल रही है। और आसपास जितने भी उसमें जिस एरिया में ये मुठभेड़ हुई है, कई IDs होने की सूचना है और कई सामग्री बरामद होने की संभावना है, इसलिए वहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जीजे की टीम्स भी गई। टाइम न्यूज़ के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।